इंस्टेंट, इंस्टेंट डिसीजन। इंस्टेंटली क्या होता है, अभी तुरंत, इंस्टेंटली मतलब इसी वक्त, इंस्टेंटली, ठीक है, टेक इंस्टेंट डिसीजन, ठीक है। जैसे कि हमने पूछा कि ऑपरेशन कब होगा पेशेंट का, डॉक्टर कह रहा है इंस्टेंटली, अभी करना पड़ेगा भाई, अभी होगा, इंस्टेंटली, ऑन द स्पॉट, ठीक है। और डॉक्टर लोग अक्सर ऐसे ही डरवाते हैं, ठीक है, जल्दी से पैसे जमा कर दो, स्थिति बहुत क्रिटिकल है। और ये गिरते नैतिक मूल्य देश में बड़े चिंता का कारण है कि थोड़े से लालच में जब बड़े बड़े करते हैं तो छोटे छोटों को क्या दिक्कत है। डॉक्टर साहब वहाँ अनावश्यक जांचें करा के लूट लेते हैं, अनावश्यक ऑपरेशन करके लूट लेते हैं, और इधर समाज का कोई दूसरा व्यक्ति नकली दूध बेच के हिसाब बराबर कर लेता है, नकली सब्जी बेच के हिसाब बराबर कर लेता है, क्योंकि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का नियम है, ठीक है ना। तो कहीं भी अगर मान लीजिए मैं अपनी शिक्षा ठीक से नहीं दूंगा तो मुझे भी कहीं ना कहीं मिलावट का सामना करना पड़ेगा, तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए। आखिर हम इस प्लेनेट पे आए हैं तो हर काम बड़े ईमानदारी से करिए, सफलता मिले ना मिले बात की बात है, और क्या सफलता नहीं मिलती। देखिए बेईमान पैसे कमा लेता है लेकिन ईमानदार को नींद अच्छी आती है, ठीक है। बेईमान पैसे तो कमा लेता है, उन पैसों को बाद में फिर उठ के खुद के इलाज में लगा देता है, लेकिन ईमानदारी का सबसे अच्छा फायदा है ईमानदारी से काम करने का, कि रात में नींद अच्छी आती है, चेहरे पे कॉन्फिडेंस रहता है, स्नेह रहता है लोगों का, आपके प्रति अटैचमेंट रहता है, और जो रिश्ते आपके होते हैं वो स्थायी होते हैं, ठीक है। और नकली लोगों के पास जो लोगों का जमावड़ा रहता है वो अस्थायी रहता है। इसलिए हमेशा बी ऑनेस्ट, हमेशा कहेंगे माने कि माना कि अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है, ठीक है। माना कि आपको लग रहा है कि यार कैसे बदलेगा ये सब, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपना काम करें, बदलेगा, तस्वीर बदलेगी। राइट नाउ, अभी तुरंत, गो राइट नाउ, अभी जाओ। अगला है, अच्छा, इंस्टेड ऑफ, बहुत अच्छे वर्ड हैं, देखिए काफी अच्छे फ्रेज हैं। इंस्टेड ऑफ, के बावजूद भी, क्या हो जाएगा, के बावजूद, इंस्टेड ऑफ के, नहीं नहीं यहाँ, नहीं नहीं यहाँ, इंस्टेड ऑफ के स्थान पर, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के स्थान पर, इंस्टेड ऑफ, ठीक है। जैसे कि हमने कहा आई वुड लाइक टू टेक वाटर इंस्टेड ऑफ टी, मैं चाय की जगह पे पानी पीना पसंद करूंगा। जैसे कि ही वुड लाइक, ही प्रेफर कॉफी, ही प्रेफर्स कॉफी इंस्टेड ऑफ टी, मतलब चाय के स्थान पर वो क्या लेना पसंद करेगा, कॉफी लेना पसंद करेगा। तो इंस्टेड ऑफ मतलब होता है के स्थान पर, ठीक है, के बदले में, ये भी बोल सकते, के बदले में भी हो सकता है, के बदले में, इंस्टेड ऑफ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसका मतलब होता है के अतिरिक्त, क्या हो जाएगा, के अतिरिक्त, एक्सेप्ट, अपार्ट फ्रॉम दिस। जैसे मैंने कहा कि मैं इंग्लिश कोचिंग तो पढ़ाता हूँ, इसके अतिरिक्त मैं जीके भी पढ़ाता हूँ, आई टीच स्पोकन इंग्लिश, अपार्ट फ्रॉम दिस आई टीच जीके, जनरल नॉलेज, ठीक है, इस प्रकार से के अतिरिक्त हो जाएगा। अगला है बिसाइड्स, इसका मतलब भी होता है के अलावा, के अतिरिक्त, के अलावा भी हो जाएगा, के अतिरिक्त भी हो जाएगा, के अलावा, के अतिरिक्त। जैसे कि बिसाइड्स, जैसे मैंने कहा कि आई लर्न कंप्यूटर बिसाइड्स स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, मैं कंप्यूटर सीखता हूँ, इसी के साथ साथ स्पोकन इंग्लिश भी सीख लेता हूँ। तो बढ़िया, कितना बढ़िया है, आई लर्न स्पोकन इंग्लिश बिसाइड्स कंप्यूटर, या आई लर्न कंप्यूटर बिसाइड्स स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। चलो भाई, वन मोर थिंग, जस्ट, जस्ट अ लिटिल, थोड़ा सा, जस्ट अ लिटिल, थोड़ा सा, जब हम, जब कोई हमें कोई चीज़ देता है, जैसे अगर हम खाना खा रहे हैं, कोई हमें सर्व करता है, तो वो कहते हैं जस्ट अ लिटिल, थोड़ा सा तो ले लो, आप बोलते नो नो नॉट एट ऑल। लेस्ट होता है कहीं ऐसा ना हो, क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो। जैसे कि इसका प्रयोग हम करते हैं, वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड स्लिप, धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ। तो लेस्ट का मतलब याद रखिए, जहां आएगा उसका अर्थ निकलेगा कहीं ऐसा ना हो। ये वोकैबलरी बाद में हम आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाने वाले हैं, बस आप देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, समय निकाल के देखते रहिए। और अगर आप इंग्लिश सीख लेते हैं तो आपको अलग अलग देशों में काम करने का मौका मिलता है, जैसे विदेशों में रोजगार के अवसर बहुत ज्यादा हैं, उनको पढ़े लिखे आदमी चाहिए, वहां पे आप इंग्लिश सीख जाते हैं तो वहां पे आसानी से
रोजगार कर सकते हो भाई। यहाँ की दिहाड़ी मजदूरी से तो अच्छा है कम से कम विदेश में एक अच्छा खासा पैकेज। यहाँ पे जो एक क्लास वन ऑफिसर जो सैलरी लेता है विदेशों में, वहाँ पे तो मतलब एक लेबर की पेमेंट है इतनी। तो ठीक है, तो एटलीस्ट ये है कि अगर हम एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, और बहुत से लोग जाते हैं विदेश और वहीं के परमानेंट NRI हो जाते हैं जाके, तो क्या बुराई है अगर हमें कोई चीज़ आ जाए तो, और ना भी जाना हो कहीं तो सीखने में क्या बुराई है, ज्ञान की चीज़ें सीखना चाहिए। मीनवाइल इसी बीच जैसे मैं पढ़ा रहा था, इसी बीच मेरा दोस्त आ गया। आई वॉज टीचिंग, मीन वाइल माई फ्रेंड केम, मोर और लेस थोड़ा बहुत। सॉरी, मैंने कहा क्या आप फ्रेंच बोल लेते हैं? मुझे तो खैर फ्रेंच नहीं आती है, पर अगर आती है किसी को तो वो बोल सकते हैं मोर और लेस। ठीक है, आपको फ्रेंच आती है? मोर और लेस, मोर ऑफन। मोर ऑफन क्या हो जाएगा? अधिकतर, अक्सर। मोर ऑफन होता है अक्सर या अधिकतर, मोर ऑफन। ठीक है, नेक्स्ट वन, नो वाइस। नो वाइस का मतलब होता है किसी भी तरह नहीं। नो वाइस मतलब किसी भी तरह नहीं। नो वाइस, इन नो वे, इसका मतलब भी होता है किसी भी तरह नहीं। इन नो वे, किसी भी तरह नहीं। नो वाइस, क्या ये काम हो सकता है? आपने बोला नो वाइस, इन नो वे, किसी भी तरह नहीं हो सकता, इन नो वे। जैसे कि हमारे पास भी आते हैं स्टूडेंट्स, आते हैं कि हमें गेस्ट टीचर बना लो। ठीक है, कहते सर हमारा जो है IT इंस्ट्रक्टर के पोस्ट में हमको रख लो। ठीक है, कंप्यूटर की पोस्ट में हमको रख लो, हमारा ये कर दो, हमारा वो कर दो, हमारी कहीं नौकरी लगवा दो। तो हम कहते हैं भैया देखो, इट विल नॉट बी इन नो वे, यह नहीं होगा। हाँ, इट विल बी व्हेन यू आर एलिजिबल फॉर दैट। इफ़ यू आर अंडर द क्राइटेरिया, डेफिनेटली यू विल बी क्वालिफाइड। क्योंकि हम कोई बीच में कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि हम आपको कोई स्पेशल रेफरेंस दे दें और आपको कर दें, क्योंकि यहाँ ईमानदारी से काम होता है, पूरा काम ऑनलाइन है। तो फिर भी हमसे बच्चे कहते हैं सर इज देयर एनी अदर वे, क्या कोई और रास्ता हो सकता है? हम बोलेंगे नो, देयर इज नो वे, इन नो वे। ठीक है, हम ऐसा कह देते हैं। ठीक है, एक ही तरीका है कि अपने मार्क्स ज़्यादा ले आओ। मार्क्स ज़्यादा कैसे लाओगे? क्योंकि वो तो आपने उस टाइम सोचना था जब पढ़ाई कर रहे थे।